पिछले साल जब हम टीवी खोलते थे या न्यूज़पेपर देखते थे तो हर समय उसमें डेथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था। इतना मॉरल डाउन हुआ लोगों का कि बताना संभव नहीं है। तो आज हमारे साथ मीडिया से संबंधित सभी महानुभाव, सभी दिग्गज, हमारे स्पीकर्स हमें इस विषय पर प्रकाश डालेंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माइक वापस अमित को देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर इंट्रोड्यूसिंग टुडेज एमिनेंट स्पीकर्स. सो टेकिंग अप फर्दर टुडेज दिस इवेंट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट आर टुडेज चीफ गेस्ट प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन टुडे. सर प्लीज माइक्स ओवर टू यू सर. बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय कुलपति डॉक्टर विनय कपूर मेहरा जी, मेरे पूज्य गुरुदेव मार्गदर्शक डॉक्टर सीतांजलि जोशी, सदस्य सचिव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, मखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में एक प्रोफेसर के जी सुरेश जी, भाई राजेश जी, विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव जी, अमित गुलेरिया जी, चंदन अधिकारी जी, डॉक्टर रेणु शर्मा जी और इस सभा में उपस्थित सभी विद्वत जन. जिस सभा में तीन कुलपति हों उस सभा में सबसे आगे सिंहों के आगे एक बकरी के बच्चे को डाल दिया जाए तो ऐसी ही मेरी हालत है. और जब हमारे गुरुदेव यहाँ बैठे हैं प्रोफेसर सईदान जोशी जी, जो 10 वर्षों तक कुलपति भी रहे हैं और संस्थाओं को स्थापित करने का उनका एक लंबा इतिहास रहा है, और जब दिल्ली वो पधारे तो वो ये बहुत बड़ी संस्था में आए ये मानकर कि सर के लिए सब यहाँ रेड कारपेट बिछा हुआ है, यहाँ भी कहा जा रहा है कुछ नया भवन बनाइए और इसको फिर से स्थापित कीजिए. तो गुरुदेव के जिम्मे बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में इंदिरा गांधी कला केंद्र आ गया है तो सर को फिर से एक नव सृजन करना पड़ेगा जिसके वे अभ्यस्त हैं और जिसके वे महारथी भी हैं. आज की सभा में सबसे पहले ब्रह्मर्षि नारद को याद करना है. ब्रह्मर्षि नारद जो है लोक में ऐसे संचारक माने गए जो लोक मंगल के लिए संचार करते थे. उनका जो भी संचार था, अगर हिंदी फिल्मों और समाज में जो उनकी छवि है उसको छोड़ दें तो उनका संचार हमेशा लोक मंगल के लिए था. वे सतत भ्रमण करते हैं, वो कहीं एक स्थान पर नहीं बैठते. आपने देखा होगा सारे जो ऋषि मुनि हैं वो कहीं ना कहीं अपना मठ बनाते हैं, अपना आश्रम बनाते हैं. नारद जी अकेले ऋषि हैं, ऋषि परंपरा से आते हैं जिनका कोई मठ नहीं है. वो सतत प्रवासी हैं, हमारे प्रचारकों की तरह वो लगातार प्रवास करते रहते हैं और सतत संवादी हैं. उनका संवाद किसी से कभी टूटता नहीं है. वो पहले ऐसे देवता हैं या ऋषि हैं जिन जिन पर राक्षस भी भरोसा करते हो, देवता भी भरोसा करते. सारे ईश्वर जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं वो भी उनकी बात मानते हैं, देवता भी उनकी बात मानते हैं, राक्षस भी उनकी बात मानते हैं. मतलब अपोजिशन में भी उनकी वही पैठ है जो सत्ता पक्ष में है. ऐसे यशस्वी संचारक के नाते हम उनको याद करते हैं. और देखिए भगवान के दूत के रूप में वो आवाजाही करते हैं पर जो राक्षस है वो उससे भिदकते नहीं है. वो जानते हैं कि देवताओं के व्यक्ति हैं ये, तो उनका तो सीधा संपर्क सभी देवताओं से है पर राक्षस भी उनकी बात को मानते हैं. कंस ने उनकी बात मानी, हमने देखा. और समाज के सब वर्गों से उनका बराबर संवाद है, देवता हो मनुष्य हो सभी लोग उनसे उनकी बातचीत को मानते हैं. वे कालातीत भी तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, सभी युगों में भ्रमण करते हैं. ऐसा नहीं कि त्रेता में आराम पर चले गए या छुट्टी पर चले गए, वीआरएस ले ली. वो लगातार सक्रिय. और जब ईश्वर के बारे में बताते हैं नारद भक्ति सूत्र में तो एक वो दार्शनिक के रूप में तब्दील हो जाते हैं. और आप देखिए कि पुराणों में उनको भागवत संवाददाता की तरह याद किया गया. हम ये भी जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की
व्यास जी ने श्रीमद भगवत गीता की रचना की, उसके पीछे भी प्रेरणा देने वाला जो व्यक्ति था वो नारद जी थे। नारद जी की एक कला और है जिसके बारे में प्रोफेसर जोशी ज्यादा बता सकते, वो अप्रतिम संगीतकार है। उन्होंने गंधर्वों से संगीत की शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने बड़ी दिनों तक तपस्या की और विष्णु जी से श्रेष्ठ संगीतकार होने का आशीर्वाद मांगा और उनको मिला। और आप ये देखिए कि निरंतर यात्राएं करते हुए, निरंतर प्रवास करते हुए, वो स्वोद्देश्य यात्राएं करते, अनावश्यक नहीं घूमते, अनावश्यक टहलने वाले व्यक्ति नहीं, उनकी एक भी यात्रा ऐसी नहीं है अकारण वो कहीं गए हो, अकारण कोई बात कही हो। और इस बात की सबसे बड़ी बानगी इस बात की कितना वो रचे बसे हमारे भारतीय समाज में। हिंदी का जब पहला अखबार निकला उदंत मारतंड 30 मई को, पंडित युगल किशोर शुक्ल ने निकाला कलकत्ते से, अभी 3 दिन के बाद हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाएंगे, उन्होंने जब दिन चयन किया कि हम किस दिन यहां पत्र निकालें, उन्होंने नारद जयंती का दिन तय किया तिथि के अनुसार। उस बार 30 मई 1826 को वो तिथि पड़ी थी ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया। तो ये जो नारद जी की व्याप्ति है कि आज के जो पत्रकार हैं उन्होंने भी उनको स्वीकार किया है कि वो हमारे एक तरह से आदर्श बन सकते हैं। और इससे हमको पता चलता है कि नारद जी की हम सबकी जिंदगी में क्या जगह है। आज देखिए कि युद्ध को अंतिम विकल्प माना जाने लगा है, जबकि नारद पहले दिन से संवाद के प्रतिनिधि हैं। वे बराबर ये बात कहते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो बातचीत से सुलझाई ना जा सके। वो बात बात के दिनों में अटल जी जैसे लोग कहने लगे। आज दुनिया के सारे बड़े नेता कहते हैं कि कोई भी दुनिया का संकट ऐसा नहीं है जो बातचीत से सुलझाया ना जा सके। और नारद के जो 84 भक्ति सूत्र हैं उनके बारे में अनेक विद्वानों ने व्याख्याएं की। आप अगर ध्यान दें तो उसो रजनीश ने, स्वामी भक्ति वेदांत ने, स्वामी प्रभुपाद ने, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने, भूपेंद्र भाई पंड्या ने, श्री रामावतार विद्याभास्कर ने, स्वामी अनुभवानंद ने, हनुमान प्रसाद पोद्दार ने, स्वामी चिन्मानंद जी जैसे अनेक विद्वानों ने उनके दर्शन के बारे में व्याख्याएं की है। हमें उन किताबों को देखना चाहिए। पत्रकारिता के एक आचार्य हैं वाराणसी के, श्रीमान ओम प्रकाश जी, उन्होंने हिंदी में एक बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी है आदि पत्रकार नारद का संचार दर्शन, उसको भी हमको देखना चाहिए। तो आप ये देखिए कि किस तरह से नारद जी हमें संचार की इस परंपरा से जोड़ते हैं। आज के इस दिन पर उन्हें स्मरण करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आज का जो संकट है वो सबसे बड़ा संकट है फेक न्यूज का, हेट न्यूज का, और ऐसी खबरों का जिन खबरों का कोई तत्व नहीं है, और इन विषयों पर मीडिया में चर्चा प्रारंभ हो गई। 19 मई का दैनिक जागरण देखिए, उसके संपादकीय पृष्ठ पर उसके एसोसिएट एडिटर राजू सचान ने एक लेख लिखा है जिसका शीर्षक घर के भीतर छिपे हुए शत्रु। इसी तरह न्यूज टाइम्स के अप्रैल अंक में गिरीश्वर मिश्र जो माननीय कुलपति रहे वर्धा विश्वविद्यालय के, उन्होंने लेख लिखा समझदारी धैर्य सतर्कता जरूरी। हिंदुस्तान अखबार में भी एक लेख छपा 27 अप्रैल 2021 को। इन सब में लिखा गया जीवन की रक्षा सबका कर्तव्य है, ये कोई अकेली सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। आज कोरोना के बाद इस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने है। भारत के अनेक समाचार पत्रों ने कोविड के हालात पर सवाल उठाए। दुनिया के तमाम समाचार पत्र आज दुष्प्रचार का केंद्र बने हुए। हम एक अध्ययन करने जा रहे हैं कि दुनिया की जो मीडिया है उसने किस तरह से भारत के पैंडेमिक संकट को, खासकर दूसरे दौर के संकट को, किस तरह व्याख्यायित किया है, किस तरह से उन्होंने एक वातावरण को खराब करने की कोशिश की है। एक सवाल मीडिया ने यही उठाया है कि यह महामारी हमको क्या संदेश दे रही है, उसमें से किस संदेश को हमको स्वीकार करना चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए। सारे विश्लेषक इस बात पर एकमत है कि प्रकृति के साथ तादाद बिठाकर अगर हम नहीं रहेंगे तो संकट खड़े होंगे, इससे भी गहरे संकट आने वाले। अगर संदेश को ठीक से हम ग्रहण करेंगे तो साहचर्य के साथ हमको विकास का रास्ता देखना पड़ेगा। प्रकृति के साथ साहचर्य नहीं होगा, प्रकृति के साथ संवाद नहीं होगा, हम गहरे संकट में फंसेंगे। हमारी दुनिया ज्यादा समर्थ हो सकती है, ज्यादा सुंदर हो सकती है, ज्यादा बेहतर हो सकती है। एक सुंदर दुनिया बनाने का सपना हम सब देखते हैं, लेकिन उसके लिए जो अपेक्षित कर्तव्य है वह करने को हम तैयार नहीं है। और इस महामारी के बाद दुनिया में जन स्वास्थ्य संबंधी, प्रशासन संबंधी और पर्यावरण संबंधी सुधारों की ओर ध्यान देने की जरूरत होगी। ये सारे सवाल आज हमारे बीच चर्चा में, लेकिन सरकारों को स्वास्थ्य सुधारने के लिए, अपने प्रशासन को संवेदनशील बनाने के लिए,
और जवाबदेह बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आने वाले 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाने वाले, उस दिन पेड़ लगा करके, उस दिन पौधे लगा करके मुक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें इसको अपने जीवन में संकल्प की तरह अंगीकार करना पड़ेगा। यह आपदा प्रकृति या प्रकृति के नियमों में मनुष्य की अनावश्यक छेड़छाड़ का परिणाम है। आज हम जैविक युद्ध की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो यह देखना पड़ेगा कि हमने किस तरह अपने विनाश के लिए सामग्री तैयार की है। यह सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, अब युद्ध के आगे एक अलग तरह का युद्ध खड़ा हो रहा है। और इस नाते हम जब देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट जो 2019 में प्रकाशित हुई, वह कहती है कि मानव विकास ने भूभाग के 75% हिस्से पर और समुद्री पर्यावरण के 66% हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया है। अगर आप भूभाग का 75% हिस्सा कब्जा कर लेंगे, समुद्री पर्यावरण का 66% कब्जा कर लेंगे, अतिक्रमण कर लेंगे और आप चाहेंगे कि प्रकृति उसका जवाब न दे, यह संभव नहीं है। और उत्तराखंड में जो हालात बार बार बनते हैं उसको हम देखते आ रहे हैं। इसके बावजूद मनुष्य की जो लालसा है वो समाप्त होने को नहीं है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपदाएं बहुत अपने आप संदेश देती हैं। आपदाएं बार बार हमें बताती हैं कि अपना व्यवहार बदल लो, आप सुधर जाओ। या निरंतर वाद विवाद करने, लड़ने झगड़ने के बजाय सहयोग की भावना विकसित कर लो। हम आपदा में भी अवसर खोजते हैं और लड़ाई झगड़े के अवसर खोज लेते हैं। आज इतना बड़ा संकट विश्व मानवता के सामने खड़ा है, आप अभी टीवी चैनल के शाम को स्क्रीन खोल लीजिए, 8-8 खोपड़ियां खुली होंगी जो आपस में लड़ रही होंगी। वो संकट के समाधान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो ये कहते तुमने ये नहीं किया, तुमने ये करना, तुमने ये करना, तुम ये नहीं कर रहे हो। जब साथ मिलकर के पूरी मानवता एक संकट में है, साथ मिलकर के हमने अपने संकटों के हल खोजने हैं, तो भी हम झगड़ों के सूत्र खोजते हैं, लड़ाई के सूत्र खोजते हैं, स्क्रीन पर बैठकर मोबाइल में देखते रहते हैं कि अभी कोई बताए कुछ और, कोई एक चीज खोज करके क्या बुरी से बुरी बात चैनल पे कह दूं जिससे मेरा जो है वातावरण बन जाए। इस प्रकार की स्थितियां, हम झगड़ों के सूत्र खोजते हैं, हम 3 एकमत के लोग नहीं बिठाते। जैसे आज आदरणीय मैडम ने पैनल बनाया है, एक सुंदर पैनल बनाया है। यहां जोशी सर हैं, यहां सुरेश जी हैं, मैं भी हूं, हम सब एक मन के लोग हैं जो इस देश के संकटों का समाधान चाहते हैं। टेलीविजन अलग सोचता है, टेलीविजन एक जोशी जी को लाएगा, एक ऐसे व्यक्ति को लाएगा जोशी जी के विपरीत धारणा रखता, तीसरा ऐसा खोजेगा तो दोनों को काट खाए। ऐसे संकटों के समाधान नहीं निकलते, मानवता के प्रश्न इस तरह से हल नहीं होते। ये मुर्गा लड़ाने का जो कार्यक्रम है जो, उससे जो है संकट के हल नहीं निकलते, हमको देखना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लड़ने झगड़ने के बजाय हमको सहयोग की भावना विकसित करनी पड़ेगी। लेकिन धरती का जो हिस्सा हमारे अपने अहंकार के कारण उसको नहीं समझता, वह विनाश को आमंत्रण देगा, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है। इस महामारी ने दुनिया के तमाम महावारी देशों को उनकी औकात बता दी, उनकी हैसियत बता दी है, बता दिया कि आप कितनी भी व्यवस्थाएं खड़ी कर लें, उन व्यवस्थाओं को खड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका जैसा देश भी लड़खड़ा गया, ब्रिटेन जैसा देश भी लड़खड़ा गया, यूरोप से लेकर अमेरिका, चीन, सबको पता चल गया कि महामारी क्या होती है। और इस नाते उनकी स्वास्थ्य सेवाएं, उत्पादन, वितरण, उसमें कहां कमी है, उन्होंने पर्यावरण का कहां अतिक्रमण किया, जिसके नाते एक अदृश्य वायरस परमाणु शक्ति से संपन्न देशों के भी राजतंत्र को हिला देता है। यह हमें सोचना पड़ेगा। भारतीय मूल के एक अमेरिकी पत्रकार है फरीद जकारिया साहब, उन्होंने एक लेख लिखा है टेल नेशंस फॉर द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। इसके माध्यम से उन्होंने हमको सोचने और विचारने के तमाम सूत्र दिए। उनकी जड़ें पिछली सदी से लेकर इस सदी तक फैली हुई हैं। विश्व युद्ध अगर जल्दी समाप्त हो गया होता तो शायद स्पेनिश फ्लू नहीं फैलता, और अगर लीग ऑफ नेशंस की बातें उस समय मान ली गई होती तो पहला विश्व युद्ध से निकली गई चेतावनियों पर ध्यान दिया गया होता तो दूसरा विश्व युद्ध भी टाला जा सकता था, और उसी के साथ टाला जा सकता था परमाणु बम के साथ पैदा होने वाला विनाश। पर हम इन चेतावनियों पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। एक पत्रकार और मीडिया टीचर होने के नाते मेरा मानना है कि मीडिया भले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमें मनुष्य की जो जरूरतें हैं, पर्यावरण की जो जरूरतें हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और आपको देखना होगा कि अगर हम अपने जो सवाल हैं, अपने जीवन के जो प्रश्न हैं, उनकी उपेक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा संकट हमारे सामने आने वाला है। आज सिर्फ अंग्रेजी की पत्रकारिता के लिए नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं की जो पत्रकारिता में एक अपार अवसर पैदा हुआ है। नीचे तक लोग काम कर रहे हैं और रीजनल लैंग्वेज का मार्केट काफी विकसित हो रहा है, इसलिए भाषाई पत्रकारों को आगे आकर के इन चुनौतियों से जूझने की जरूरत है। केपीएमजी की एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजी भाषा के जो ऑडियंस हैं
उनका डिजिटल की तरफ मुड़ना लगभग बंद हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक रीजनल लैंग्वेज का जो मार्केट है, भारतीय भाषाओं का जो मार्केट है, बाजार है पत्रकारिता का, उसकी संख्या 500 मिलियन तक पहुंच जाएगी और लोग इंटरनेट का इस्तेमाल अपनी भाषा में करेंगे। यानी एक बड़ा जागरूक समाज, जागरूकता पैदा करने का तंत्र हमारे अंदर विकसित हो रहा है। अगर हम सब भारतीय भाषाओं की बात करते हैं तो 2030 तक भारत में 1 बिलियन यानी 1 अरब लोग इंटरनेट से जुड़े होंगे। ये यूजर्स मुख्य रूप से अंग्रेजी ना जानने वाले मोबाइल फोन यूजर्स और विकसित ग्रामीण क्षेत्रों से लोग होंगे जो ऑनलाइन कंटेंट के लिए तैयार होंगे। इसलिए एक बदला हुआ समय है, इस बदले हुए समय का लाभ लेकर के हमें अपने देश को तैयार करना है। एक आकांक्षावान भारत उदित हो रहा है, उसके सपनों को हमको सच करना है। छोटे छोटे संकटों से घबरा कर हमको भागना नहीं है। और इस नाते देखिए कि हिंदुस्तान में मीडिया का किस प्रकार से प्रसार बढ़ रहा है, पर इसका एक रचनात्मक इस्तेमाल करने की जरूरत है। एंगेज इंडिया और फिक्की की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि 2018 में भारत में मीडिया और मनोरंजन के बाजार में प्रिंट रेवेन्यू सिर्फ 3% बढ़ा था प्रिंट का, वही डिजिटल मीडिया के मामले में ये ग्रोथ 28% तक जा पहुंची थी। जहां प्रिंट की जो रीडरशिप थी 11% बढ़ी थी, दूसरी तरफ डिजिटल सब्सक्रिप्शन में 50% की बढ़ोतरी देखी गई। यानी एक तरह से भारत में एक नया एक भारत उदित हो रहा है, जिसके पास स्मार्टफोन, जिसके पास मोबाइल फोन है, जो सूचनाओं को प्राप्त करने की आकांक्षा से लैस है। ऐसे भारत को हमको प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उनको मीडिया साक्षरता, मीडिया लिटरेसी बतानी पड़ेगी। वो किस तरह से मीडिया का इस्तेमाल करें, किस तरह से अपने मीडिया को दबाव में रखें, क्योंकि मीडिया जैसे जिम्मेदार साधन को हम इस तरह से छोड़ नहीं सकते। मीडिया के इस पहलू को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज सवाल यह नहीं है कि पत्रकार कौन है, सवाल यह भी कि पत्रकारिता कौन कर रहा है। हो सकता है कि मैं पत्रकार ना हूं आज की तारीख में, मैं आज की तारीख में एक संस्था में काम करने वाला कर्मचारी हूं, कोई किसान हो सकता है, कोई शिक्षक हो सकता है, पर आज डिजिटल मीडिया ने अवसर दिया है हमें कि हम पत्रकारिता कर सकते हैं, भले हम पत्रकार ना हो। एक नए किस्म की जो है संचारकों की फौज, जिनको हम एक कहे नारद की परंपरा के उत्तराधिकारी, इस देश में पैदा हो सके हैं। इसलिए अब आज जो है जो परंपरागत मीडिया के लोग हैं वो भी घबराए हुए। आज वो डिजिटल मीडिया पर जिस तरह से धूम मची हुई है, आज खबरों को रोकना कठिन है। आज कोई भी समाचार एक जगह के दबाएंगे दूसरी जगह से निकल के आ जाएगा। इसलिए हम सबको एक अलग तरह से काम करने की जरूरत है। और आज के दिन जब हम नारद जयंती भी मना रहे हैं, नारद जी के मूल्यों, उनके आदर्शों और उनकी बताई जो परंपरा है उसका पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आज के इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर विनय कपूर मेहरा जी ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, हमारे गुरुजनों के साथ बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आप सबके हृदय में बैठे हुए ईश्वर को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइटफुल व्यूज। यू हैव गिवन अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स व्हिच आर वेरी नॉलेजेबल फॉर वी पीपल, सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन सर। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द माइक टुडेज कीनोट स्पीकर प्रोफेसर के जी सुरेश जी, वाइस चांसलर माखनलाल चतुर्वेदी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म भोपाल। ओवर टू यू सर। थैंक यू अमित जी, एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर परफेक्टली ऑडिबल सर। थैंक यू, वेलकम सर। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति प्रोफेसर विनय कपूर मेहरा जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, श्रद्धेय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, मेंबर सेक्रेटरी IGNCA एवं भारतीय शिक्षण मंडल के माननीय अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित हमारे भाई राजेश जी, जिनके साथ कितने वर्षों से कितने कार्यक्रम और कितने नारद जयंती कार्यक्रम हमने हरियाणा प्रदेश में किया है, हरियाणा प्रांत में किया है। और मुझे याद है कोविड से के ये लॉकडाउन शुरू होने से पहले भी हम साथ में ही थे कुरुक्षेत्र में, और कई प्रशिक्षण वर्ग और कई और इस तरह के कार्यक्रम लगातार, बहुत ही इतने सक्रिय व्यक्ति आज हम ये
ये बात हम सबके सभी विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, डीन्स, फैकल्टी मेंबर्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत बहुत बधाई सबको। आज देवऋषि नारद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदि पत्रकार देवऋषि, मैं उस विषय पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि संजय जी उस विषय पर विस्तार से हम सबसे चर्चा कर चुके हैं, तो मैं सीधे सीधे विषय पर ही आऊंगा। और उन्होंने बहुत बड़ा एक कैनवस जिसमें पूरे पत्रकारिता की भूमिका पर उन्होंने विस्तृत जानकारी दी, तो मैं अपने आप को आज के विषय तक सिमट कर रखूंगा ताकि बाकी हम मार्गदर्शन सच्चिदानंद जी का प्राप्त करें। सो कॉम्प्लीमेंट्स टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। मुझे ये प्रोफेसर विनय कपूर जी ने मुझे निर्देश दिया है कि बाइलिंगुअल हो तो बेहतर होगा, तो मैं कुछ बॉक्स में भी देख रहा हूँ, सम ऑफ आवर आई थिंक टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वॉन्ट मी टू स्पीक इन बोथ लैंग्वेजेस, लेट मी ट्राई टू बैलेंस इट आउट। माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द लॉ यूनिवर्सिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट यू नो डिस्कशन, because generally it is the media departments which generally organize discussions on media, but ek law university apne aap mein ek media par charcha aayojit kar raha hai, ye isliye kulpati mahodaya jo hai badhai ke patra hain, because you know this is in a way hum log jo NEP mein jo baat kar rahe hain, national education policy mein jo interdisciplinarity we are talking about, so I think that this is a convergence of law and media जो यहाँ हो रहा है और ये बहुत आवश्यक है। और एक बात मैं जरा बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश में एक फैशन है मीडिया और पॉलिटिशियन बैशिंग, जो मैं समझता हूँ कि ये दोनों लोकतंत्र के लिए घातक है। इसलिए देखिए, लॉ यूनिवर्सिटी में डिस्कशन होता है मीडिया के बारे में, ये हमारा मीडिया का बड़ापन है, लेकिन हम मीडिया यूनिवर्सिटीज में लीगल प्रोफेशन के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, हम किसी प्रोफेशन के बारे में डिस्कस नहीं करते, लेकिन हमारे बारे में हर ड्रॉइंग रूम में, हर चाय पीने के, हर चाय की दुकान में, हर जगह चर्चा होती है कि भाई मीडिया को ऐसा होना चाहिए, मीडिया में ये कमी है। और आई थिंक दैट इज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, दैट वी हैव द एबिलिटी, वी आर नॉट सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। आज एक बात एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कह दिया तो पूरा का पूरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरा लीगल नोटिस 1000 करोड़ का, इस हिसाब से तो मीडिया घरानों को कितने 1000 करोड़ का जो है सब पर ठोकना पड़ेगा, जिस हिसाब से मीडिया को गाली दी जाती है। लेकिन मीडिया वालों को आदत हो गई है, हम लोग जो है बिकॉज हम आत्ममंथन करते हैं, आत्मावलोकन करते हैं, नारद जयंती के भी जितने कार्यक्रम होते हैं साल में तो उसमें भी हम लोग आत्मावलोकन करते हैं कहां कमी रह गई। ये किसी और पेशे में ये नहीं है कि जितना हम लोग जो है लोकतांत्रिक है हमारा ये जो डिसिप्लिन है, हम लोग पूरी तरीके से इसके बारे में हम अपनी गलती को निकालते हैं। आई विश दैट एवरी अदर प्रोफेशन ऑल्सो एंगेजेस इन इंट्रोस्पेक्शन, यू नो ये बहुत जरूरी है एवरी प्रोफेशन। मैं चाहता हूं जिस तरीके से हम आपस में बोलते हैं कि ये इस तरीके से है, ये पोलराइज्ड है, ये वन साइडेड है, ये एक तरफा है, उस तरीके से हर प्रोफेशन में अगर लोग बोलने लग जाए खुलकर, तो सारे प्रोफेशन कितने और दुरुस्त हो जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो ऑन दैट नोट Let me talk about the impact and role of media. You know, इसमें कोई दो राय नहीं कि TRP के रेस में, इसमें कोई दो राय नहीं कि और भी जो है आपके commercial reasons के वजह से कुछ sensationalization होता है कुछ sections of the media में, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आज चाहे वो ऑक्सीजन की कमी रही हो, वेंटिलेटर की कमी रही हो, दवाइयों की कमी रही हो, इस देश में मीडिया ने जितना हल्ला मचाया जिसके वजह से स्थानीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार सभी के सब हरकत में आए, और आज जो स्थिति काफी कुछ संभल रहा है, पूरी तरह संभला नहीं है, उसमें मीडिया की बड़ी अहम भूमिका रही है। मैं तो देखता था 15 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है और सारे हॉस्पिटल्स मीडिया हाउसेस को दे यूज्ड टू कांटेक्ट दैट आर ऑक्सीजन, यू नो वी आर रनिंग इनटू अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, प्लीज हेल्प अस आउट, एंड इट इज द मीडिया हाउसेस व्हिच वुड हाईलाइट दैट ओनली 10 मिनट्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, प्लीज रश दैट। एक सबसे बड़ा एडवांटेज इस मीडिया, इस पूरे कोरोना काल में मीडिया में जो प्रभाव पड़ा, दैट वी हैव बीन एबल टू, बाकी सब नेगेटिव और सब चीजें ठीक,
लेकिन अगर मैं देखता हूं तो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग दोबारा रिवाइव हो गया है और दूसरा रूरल रिपोर्टिंग। अब पहली बार हम लोग गांव में सीनियर पत्रकार भी जाने लगे हैं और देखने लगे हैं कि ग्रामीण स्तरों में जो है क्या बदलाव आ रहा है, क्या क्या कारण है, क्या परेशानियां हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की क्या व्यवस्था है, हर चीज पर अब जो है पैनी नजर रखने लग गए हैं। ये क्या इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अगर 244 डॉक्टर्स की डेथ हुई है तो 200 से ऊपर जर्नलिस्ट की भी डेथ हुई है। ओवर 200 जर्नलिस्ट हैव डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डाइड इन हॉस्पिटल या घरों में तो तबियत खराब होने से, लेकिन अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए 200 के ऊपर, एक दर्जन से ऊपर राज्य सरकारों ने फ्रंट लाइन वॉरियर्स, कोरोना योद्धा, अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धा जो है पत्रकारों को घोषित किया है और उनके लिए सभी तरह के सहायताएं प्रदान कर रही है। कोविड हॉटस्पॉट्स हो, आईसीयूज हो, स्मशान हो, भूमि हो, या आपके जो है कब्रिस्तान हो, हर जगह आपको जो है पत्रकार ऑन द इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए हैं। आज जागरूकता, हर व्यक्ति, हर बच्चे के मुंह में ब्लैक फंगस, येलो फंगस, आप एक एक चीज बताइए, डबल मास्किंग, दवाइयों का नाम। क्या हम लोग सिर्फ वो सनसनी भाग को देखते हैं? वो है, और जहां नकारात्मक ढंग से दिखाया जा रहा है, सनसनी फैलाने के उद्देश्य से दिखाया जा रहा है, उसके हम भर्त्सना भी करते हैं। लेकिन क्या ये भी एक हकीकत नहीं है कि मीडिया सूचना देने, अपार्ट फ्रॉम इट्स रोल ऑफ बीइंग एन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, इट इज ऑल्सो एजुकेटिंग द मासेस थ्रू डिस्कशंस विद द टॉप नॉच डॉक्टर्स ऑफ द कंट्री। देश के सबसे टॉप डॉक्टर्स, चाहे वो डॉक्टर गुलेरिया हो, डॉक्टर त्रेहन हो, आप देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स को पूरे देश से जोड़ के एवरी चैनल यू विल फाइंड डॉक्टर्स बीइंग इंटरव्यूड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स एंड पीपल आर यू नो वी आर ट्राइंग टू एजुकेट द पीपल। Isn't that the media's response? So it is easy to sit back and criticize, you know, that media is doing this, media is, but media has been playing a stellar role. Let us recognize that. And that is why the government, state governments, over a dozen state governments have declared them as, you know, frontline warriors. They are being provided vaccination on priority because they deserve to. Now, this is the role of media. In informing, in educating, and in bringing to your drawing rooms inspiring stories of service by several sections of the society. Samaj ke aise kai tabke hain samaj mein jin tak pahunchne ki avashyakta hai, chahe wo gareeb ho, chahe mazdoor ho, chahe jo berozgar ho, unke samasyaon ko, jo migrant labor hai unke samasyaon ko, गांव में मनरेगा को लेकर जो समस्याएं हो रही है, अवसरों की कमी हो रही है, उन सब विषयों को, जब वो पूरा का पूरा, when there was this entire mass migration happening from the cities, who highlighted that? The media highlighted that. So let us not always dismiss the role of media. Oh, they are being, no, no, please. I somehow have a problem with that. I know that like any other profession, media is the mirror of the society. Media reflects what is there in society. Media persons have not come from, you know, some other planet. They belong to middle class families like yours and mine. हम सबके बीच में से वो निकले हैं, तो हम सब में 50 कमी हो सकती है, लेकिन मीडिया कर्मी जो है आदर्श होना चाहिए, है, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मीडिया में उसके प्रति जागरूकता है, मीडिया में उसके प्रति चर्चा होती है, किसी और पेशे में नहीं होती है। मीडिया में कई रेगुलेटरी बॉडीज बने हुए हैं, मीडिया में प्रेस काउंसिल है, ठीक है, उसमें टूथलेस टाइगर आप कैसे हैं उसको कम ताकत का बताते हैं, आपके ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, एनबीएसए है, आपका जो है एथिक्स के लिए कई और संस्थाएं बनी हुई है, एडिटर्स गिल्ड बना हुआ है, प्रेस एसोसिएशन बना हुआ है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं वहां। लेकिन मुझे लगता है कि हम जब पूरी तरीके से मीडिया की मजम्मत कर रहे हैं तो हम लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। स्वतंत्र मीडिया एक लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हमने 1975 के आपातकाल के दौरान देखा कि किस तरीके से मीडिया को आपने अंकुश
लगाने का प्रयास किया, देयर वाज एन एफर्ट टू कंट्रोल द मीडिया एंड हाउ इट बैकफायर्ड. सो आई एम समबडी हु स्टिल बिलीव्स दैट यस देयर आर shortcomings and these have to be rectified, but it has to come from within. It cannot come from outside. So I am not at all justifying anything. I am not here just to justify some, you know, if there are fault lines or anything like that. No, I'm not justifying, but I can count, and this is not the forum. क्या legal profession में नहीं है, क्या judiciary में नहीं है, आप बताएं मुझे. क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में नहीं है, क्या डॉक्टर्स में नहीं है? लेकिन एक समय होता है इन विषयों पर चर्चा करने के लिए. आज जब डॉक्टर्स फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स है, तो उस वक्त हम लोग उस विषय में हमारे मीडिया को बल दें, हम उनके अच्छे कामों को जो है साधुवाद दें, यह बहुत आवश्यक है. हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे जरूर. आज हम डॉक्टर्स में हम वो प्रैक्टिसेस को, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को वी डोंट डिस्कस नाउ. We don't discuss now. क्या unethical practices नहीं है medical profession में? क्या specific lab से आपको report लाने के लिए नहीं कहा जाता? क्या high costly medicines नहीं लिखा जाता? क्या MRs नहीं चलाते हैं कई doctors को? But this is not the time to raise those issues. वो नहीं है. मैं समझता हूं कि ऐसा कोई पेशा नहीं है जहां कमी नहीं है, लेकिन introspection की आवश्यकता है. Are we ready to make the change? मीडिया पर्सन उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार भी नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज आई एम लार्जली एड्रेसिंग द ऑडियंस हु आर कंप्राइजिंग पीपल फ्रॉम द लीगल प्रोफेशन, द स्टूडेंट्स. यू सी, जर्नलिस्ट देमसेल्व्स आर नॉट वेरी पावरफुल एज दे अपीयर टू बी. दे आर एट द एंड ऑफ द डे दे आर एम्प्लॉइज वर्किंग विद ह्यूज कॉर्पोरेट हाउसेस, एंड व्हेन दे आर कैटरिंग, व्हेन दे आर सर्विंग दिस ह्यूज कॉर्पोरेट हाउसेस, they cannot have their views. Whatever the corporatized media tells them, they have to do it. So let us not blame the journalists. You know that this is the reason. It would be like saying that the doctors, individual doctors, are responsible for the high cost of hospitalization and treatment. No, because the corporate structure demands so. Kai hospitals mein bahar board likha jata hai, itna paisa jama kariye tabhi aap patient ko admit kar sakte hain. So are the doctors to be held responsible for that? Individual doctors? No. तो हमको उस चीज को समझने की जरूरत है. आज मीडिया में कोई वेज बोर्ड्स नहीं है, they are all on contract. और सबको अपना घर चलाना है, सबको नौकरी करना है, everybody is on the payroll. They all have to run their families also. This also a reality. I'm sorry, I'm doing some plain speaking. I don't want to use it as a ritual to again, you know, bash up my colleagues, blast them, say that they are wrong always. There are, you know, kai baar bahut sare, main khud kehta hu ki media mein bada dhruvikaran hua hai, jiske chalte media karmi apne aap ko jo hai nuksan pahuncha rahe hain, aapas mein jo hai vyaktigat sambandh kharab ho gaye hain iske chalte. Lekin by and large media जो अच्छा काम कर रही है उसको भी कहीं ना कहीं जो है दैट उन चीजों पर भी हमें सोचने की आवश्यकता है. यह बहुत जरूरी है. मैं समझता हूं कि मीडिया का कोविड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि आज हम इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, और इंपैक्ट यह है कि आज चाहे वो जिला स्तर पर हो प्रशासन, वो भी हरकत में आ गए हैं, और आज ये जो डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है मीडिया का, लोकतांत्रिकरण, जिसको कई शब्दों में, भले मेरा उस शब्द से परहेज हो, सिटीजन जर्नलिज्म कहते हैं लोग, आप नागरिक पत्रकारिता कैसे हैं कहते हैं. आज हर आदमी के पास ये जो मोबाइल फोन आ गया है, उससे आज हर व्यक्ति के अंदर एक ताकत आ गई है. उसके पास अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उसका ब्लॉग है, वो जिसके माध्यम से शायद अखबारों से ज्यादा, वो पहले हमें लगता था कि अगर तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया, द सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, इफ इट इग्नोर्स अस देन वी डोंट हैव एनी अदर प्लेटफॉर्म, बट टुडे यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट बी यूर्स. आप अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप
अपनी बात को रखिए, अपने ब्लॉग से रखिए, अपने और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया में 5000 लोगों तक आप सीधे सीधे पहुंच रहे हैं, जो शायद संपादक एक संपादकीय लोग नहीं पढ़ते होंगे इतना, जितना आपका एक कमेंट जो है वो पढ़ लेंगे लोग। ट्विटर में आप हजारों लाखों तक पहुंच सकते हैं आप इतना प्रभावी ढंग से। कल भी मैं देख रहा था जो है एक फॉक लोग बोल के जोशी जी के परिवार में शुरू हुआ है, मैंने भाभी जी का कल एक कार्यक्रम देख रहा था, इतना सुंदर कार्यक्रम, शायद उसको मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती, उस तरह के कार्यक्रमों में रुचि नहीं है, लेकिन हजारों लोग उससे जुड़े हुए थे उस कार्यक्रम से। आज लोगों की जो है आज कस्टमाइज्ड कंटेंट की जरूरत है, तो लोग जा रहे हैं उन प्लेटफॉर्म्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। हमें उस चीज को समझने की जरूरत है। आज आप अपनी बात को रख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मीडिया में नहीं रेज हो रहा है तो आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप मीडिया को कमेंट कर सकते हैं, मीडिया पर, मीडिया के लेखों पर आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, YouTube चैनल्स पर दे सकते हैं, आप अपने जो उनका जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है उस पर आप टिप्पणी दे सकते हैं। आज ये सिर्फ इडियट बॉक्स, बुद्धू बक्सा जिसको कहते हैं, वो नहीं है जिसमें सिर्फ एक तरफा जो है संवाद हो रहा है, आज दो तरफा हो रहा है। आप उनको ट्वीट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, आप उन तक संदेश पहुंचा सकते हैं। आज डोंट बी ए म्यूट स्पेक्टेटर, ये आपका भी दायित्व बनता है। अगर मीडिया में कोई, जो संजय जी ने बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया फेक कंटेंट को लेकर, अगर फेक कंटेंट आपके नजर में आता है तो जरूर उसको उठाइए और लिखिए। प्रॉब्लम क्या है कि हम जैसे अक्सर कहते हैं कि जिस तरीके से एक जागरूक मतदाता एक सशक्त लोकतंत्र के लिए जरूरत है, वैसे ही यू नीड एन एनलाइटेंड रीडरशिप, एन एनलाइटेंड व्यूअरशिप, एन एनलाइटेंड लिसनरशिप, जागरूक दर्शक, जागरूक पाठक, जागरूक श्रोता, एक सशक्त सक्रिय मीडिया के लिए उसकी जरूरत है। आप चुप रहेंगे और यहां बैठ के कमरे में चाय पीते हुए बोलेंगे, नहीं, जैसे ही उनके प्रोग्राम में कोई गलती होती है लिखिए ना, उनको एहसास तो कराइए। कई बार ऐसा हुआ है मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाहता अखबार का, एक अखबार ने जो है थोड़ा सेमी न्यूड पिक्चर्स दिखाने लग गए थे, फोटोग्राफ्स लगाने लग गए, लोगों ने जो है चिट्ठी लिख लिख कर जो है इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने वो बंद कर दिया। ये आपके ऊपर भी है, हम सबके ऊपर है। मीडिया इज टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू मीडिया पर्संस अलोन, वी ऑल हैव ए स्टेक, दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट ऑन ए लॉ यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म, क्योंकि मीडिया हम सबका एक भूमिका है, क्योंकि लोकतंत्र में बड़ा अहम चौथा स्तंभ हम उसको कहते हैं। लेकिन इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि इससे जुड़ा हुआ विषय है मीडिया कर्मियों का सुरक्षा, मीडिया कर्मियों का लाइवलीहुड, उनका रोजी रोटी। स्ट्रिंगर्स के लेवल पर लोगों को नियुक्त किया जाता है और आप सुन के आपको आश्चर्य होगा, बड़े बड़े संस्थाओं से जो रिक्रूटमेंट होता है, शायद बड़े शहरों में जो ड्राइवर्स हैं उनको उससे ज्यादा तनख्वाह मिलती है, जिस सैलरी पर यंग स्टूडेंट्स को लिया जाता है। वो कहते हैं भूखे पेट भजे ना गोपाला, ये भी बहुत जरूरी है। मीडिया कर्मियों का कोई और आय नहीं है, उनको भी घर चलाना है। क्या हम इस विषयों पर चर्चा करते हैं क्या कि उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में लाने की जरूरत है? डू वी टॉक अबाउट दैट? वी डोंट। सरकारें, राज्य सरकारें जो है, ऐसे कई राज्यों में मैंने देखा है, कई व्यवसाय के लोगों को वो 5000 रुपए 10000 रुपए देते हैं, लेकिन क्या किसी बुजुर्ग रिटायर्ड पत्रकार को के लिए कितने जगह व्यवस्था है? कुछ कुछ राज्यों में है, कुछ जगह कुछ कल्याण कोष बने हुए हैं, लेकिन कितने जगह है? उनका कोई पेंशन नहीं है, उनका कोई ग्रेट्युटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये भी विषय है। सो आप इसको आइसोलेट करके नहीं डिस्कस कर सकते हैं। एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ईच अदर, इट इज एन इंटेग्रल होल, यू नो। सो माय ओनली थिंग इज दैट लेट अस हैव अ बैलेंस्ड व्यू।
लेट अस टेक ए बैलेंस्ड व्यू, एक संतुलित दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। क्या आदर्श स्थितियां हैं तो आदर्श हमें उम्मीद भी आदर्श होना चाहिए। क्या स्थितियां आदर्श हैं, समाज आदर्श की स्थिति में, इज द सोसाइटी इन एन आइडियल पोजिशन टू एक्सपेक्ट दैट? आई डोंट थिंक सो। देन वाई एक्सपेक्ट ओनली द एक्सेप्शनल फ्रॉम ओनली द मीडिया, दैट ओनली दे शुड बी अबव बोर्ड एंड द रेस्ट कैन बी यू नो अंडर द वॉटर? ये भी तो नहीं होना चाहिए। तो ये पूरे एक समाज के प्रति जो है, हमारे पूरे समाज में क्या चल रहा है, हमारे नैतिकता में क्या हो रहा है, क्या यही तो प्रतिबिंबित तो नहीं कर रहा है मीडिया? इस पर भी हमको सोचने की आवश्यकता है। तो ये एक अच्छा अवसर है जहां हम लोगों को मिलकर आत्मावलोकन करना है, मंथन करना है कि वेयर आर वी हेडेड। देयर इज नो डाउट इन एवरी प्रोफेशन देयर आर बैड फिश एंड गुड फिश, एंड समटाइम्स वो कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। तो इसलिए अच्छे मछलियों को नहीं कोसना चाहिए। आज के तारीख में भी ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत सहज सरल जीवन जीते हैं बगैर किसी आडंबर के। मैं वरिष्ठ पत्रकारों को जानता हूं जो आज भी दिल्ली में मेट्रो से चलते हैं, अपनी गाड़ी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। एक हमारे पत्रकार है, काफी वरिष्ठ पत्रकार, जो अब संजय जी के संस्था में कार्यरत हैं, अभी तक उन्होंने गाड़ी नहीं लिया है। लगभग 25-30 साल से उनके पास वो पत्रकारिता में रहे, उनको मैंने सिर्फ बस में और मेट्रो में ही देखा है। सहज सरल जीवन जीने वाले बहुत सारे पत्रकार हैं। हाँ, ऐसे भी लोग रहे हैं जो एक जमाने में टू व्हीलर में चलते थे, अब उनका फार्म हाउस भी है लेकिन ऐसे कौन से प्रोफेशन में नहीं है लेकिन जो बाय एंड लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल आज भी निम्न मध्यम वर्ग के ही पत्रकार हैं। तो हमें लगता है कि हम एक संघर्षशील एक प्रोफेशन है। लेट अस यू नो आई थिंक दैट इट कम्स आउट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट ओनली। वी शुड बी रिस्पेक्ट द लीगल प्रोफेशन, द लीगल प्रोफेशन शुड रेस्पेक्ट द मेडिकल प्रोफेशन, द मेडिकल प्रोफेशन शुड रेस्पेक्ट द मीडिया प्रोफेशन। ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट से होता है, एक दूसरे की मजम्मत करके भर्त्सना करके नहीं होता है। ये सम्मान जो है ये एक दूसरे को सम्मान देकर होता है, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन इस इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपके विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहता हूं कि आपने यू हैव ऑर्गेनाइज दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेमिनार, इन्वाइटिंग द हेड्स ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री। आपने उनको आमंत्रित किया और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विमर्श करवाया। लेकिन यह आवश्यक है कि हम इस इंपैक्ट को समझे। आज इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से 5 मिनट और है ना अमित जी? यस सर, यू कैन प्रोसीड सर। देखिए, मीडिया एक बहुत कठिन दौर से चल रहा है। अखबार कोरोना के डर से, जो बिल्कुल गलत है, कोरोना डज नॉट स्प्रेड थ्रू न्यूज़पेपर्स, दिस हैज बीन साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड, इवन WHO हैज कम आउट विद अ स्टेटमेंट, बट स्टिल पीपल आर रिलक्टेंट टू बाय न्यूज़पेपर्स। कई जगह लॉजिस्टिक के कारण इन मेनी प्लेसेस यू नो न्यूज़पेपर्स आर नॉट रीचिंग। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के अखबार के पन्ने कम हो गए हैं, विज्ञापन कम हो गए हैं। जब बाजार ही नहीं खुले हैं तो विज्ञापन क्या करेगा? बड़े बड़े, मुझे याद है, फ्रंट पेज पूरा बुक हो जाता था आपके बिग बाजार के नाम पर। बिग बाजार ही बंद पड़ा हुआ है तो कौन सा विज्ञापन है? सब बंद पड़े हुए हैं। अब उसका नतीजा क्या होता है कि आपके एम्प्लॉइज पर सीधे सीधे पड़ता है। फर्स्ट कैजुअलिटी जब भी कोई रिसेशन आता है वो एम्प्लॉइज पे पड़ता है। संजय जी भी जानते होंगे, मैं भी, मेरे पास भी 50 फोन दिन में आते हैं पत्रकारों के, भाई EMI पड़ा हुआ है, जॉब से रिट्रेंच हो गए हैं, कहीं एडजस्ट करा लीजिए, कहीं अतिथि व्याख्यान के लिए बुला लीजिए। हम भी कहते हैं यूनिवर्सिटी बंद पड़ी हुई है, बहुत समस्याएं हैं, रोज सामना करते हैं।
क्योंकि कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है मीडिया कर्मियों का। तो इसलिए इंडस्ट्री का एक इंपैक्ट पड़ा हुआ है। जो अर्लियर इट वॉज एस्टिमेटेड दैट न्यूज़पेपर्स विल ग्रो अनलाइक द ग्लोबल सिचुएशन वेयर न्यूज़पेपर्स आर वाइंडिंग अप, इन इंडिया इट वॉज एस्टिमेटेड दैट न्यूज़पेपर्स विल ग्रो एट द रेट ऑफ 3.8%, वाइल इन द डिजिटल फील्ड इट वुड बी 38% ग्रोथ। डिजिटल में तो ग्रोथ हुआ है, लेकिन विज्ञापन का जो असर है वो टेलीविजन में भी पड़ा है और डिजिटल में भी पड़ा है। अब एक विज्ञापन का यू हैव ए स्लाइस, एक केक का स्लाइस है, अब वो कितना बटेगा, अब ये भी देखने वाली बात है। रेवेन्यू मॉडल्स जो है वो क्या है। अब रेवेन्यू मॉडल्स में मैं बस अंतिम बात कहना चाहूंगा, प्लीज रिमेंबर दैट हमें भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि हम लोग मल्टीप्लेक्स में जाके 400 रुपए का पॉपकॉर्न का बक्सा तो ले लेते हैं, लेकिन अखबार हमें 4 रुपए में चाहिए। एक अखबार छपने में कम से कम 30 से 40 रुपए खर्चा होता है। यह दुनिया का एकमात्र, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड वेयर द प्रोडक्ट इज सोल्ड एट द 1/10 कॉस्ट ऑफ इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 4 रुपी न्यूज़पेपर दैट यू गेट इंक्लूडिंग द लॉजिस्टिक्स, द ट्रांसपोर्ट, द प्रिंटिंग, द एम्प्लॉइज सैलरी एंड एवरीथिंग, इट कम्स टू यू फॉर 4 रुपीज, व्हाट कॉस्ट ए पेपर 40 रुपीज। इस देश में सबसे ज्यादा FTA चलता है, फ्री टू एयर चैनल्स। लोगों को सबको फ्री टू एयर चैनल्स चाहिए, सब्सक्रिप्शन पे करने के लिए भीख मांगते हैं चैनल वाले कि भाई 2 रुपए दे दो महीने में, जस्ट गिव अस 2 रुपीज पर मंथ, वी आर प्रोवाइडिंग यू, यू नो, थ्रू आउट द मंथ एंटरटेनमेंट, प्लीज प्रोवाइड अस 2 रुपीज। एक अच्छा चैनल है, मैं भी देखता हूँ, ये कोरोना के दौरान एपिक बोल के एक चैनल है, एपिक, जो भारतीय परंपराओं के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में सब कुछ बहुत अच्छा दिखाता है। अब ये जो चैनल है वो हर बार प्रमोट करता है, प्लीज सब्सक्राइब फॉर 2 रुपीज ओनली पर मंथ, यानी कि 24 रुपीज इज 1 ईयर दैट दे आर विलिंग, बट आर वी विलिंग टू पे? द थिंग इज दैट वी वॉन्ट FTA चैनल्स, हम फ्री टू एयर चैनल्स चाहते हैं। आप विदेशों में देखिए, सब पेड चैनल्स हैं, सब पेड चैनल्स मैक्सिमम, बट वी आर नॉट। आप वहां जाके देखिए वॉशिंगटन पोस्ट का कितना कीमत है, न्यूयॉर्क टाइम्स का कितना कीमत है, टाइम्स लंडन का कितना कीमत है, आप देखिए, दे आर सो एक्सपेंसिव, बट इन इंडिया इट कम्स डर्ट चीप। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट फ्रॉम वेयर डज द रिमेनिंग 26 रुपीज कम फ्रॉम? जस्ट पुट ऑन योर थिंकिंग कैप्स, दैट कम्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर। अब ये 26 रुपए विज्ञापन दाता जब देता है, तो अब विज्ञापन दाता तो उम्मीद करेगा कि भाई आपकी भाषा भी बोले अखबार। अब वो सिर्फ यही तो हो नहीं सकता, किसी भी बिजनेस मॉडल में इट कैनॉट बी दैट 4 रुपए देने वाले की भाषा बात करें हम हमेशा, और जो 36 रुपए देने वाला है उसकी बात ना करें। नहीं, लेट अस टॉक सेंस, कॉमन सेंस, दिस इज कॉमन सेंस। सो देन यू से दैट नो, मीडिया इज ओनली परस्यूइंग बिजनेस इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। अरे बाबा, यू सपोर्ट क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग ये सब होता है दुनिया भर में, भारत में भी अब शुरू हो गया है। सपोर्ट कीजिए ना, ऐसे कई पोर्टल्स हैं इंडिपेंडेंट, आप सपोर्ट कीजिए। इंडिपेंडेंट न्यूज चाहिए तो, इंडिपेंडेंट न्यूज चाहिए, फ्री न्यूज चाहिए, तो ऐसे मॉडल्स को सपोर्ट कीजिए। पहले यहां आपके प्रदेश में तो बहुत एक उदाहरण है, ट्रस्ट, ट्रस्ट का द ट्रिब्यून ट्रस्ट है, जहां कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। या उड़ीसा में आपका अखबार है आपका समाज, ऐसे कुछ ट्रस्ट और कॉपरेटिव मॉडल्स में चल रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज प्लेटफॉर्म्स आर वर्किंग ऑन योर यू नो बिजनेस मॉडल। सो हाउ डज इट सस्टेन इटसेल्फ इफ द primary target audience is not paying for it, then how does it sustain? तो इस चीज को भी हमें समझने की आवश्यकता है। मैं, मेरे ख्याल से मैंने काफी समय ले लिया है, मुझे आधे घंटे का समय दिया था,
तो मैंने मेरे ख्याल से अपना समय पूर्ति कर ली है, और हम सब आगे सचिदानंद जी को भी सुनना चाहेंगे और राजेश जी को भी सुनना चाहेंगे, लेकिन मेरा मात्र ये कहना है कि ऐसे अवसर हमें एक मौका देती है कि हम सबको एक पत्रकार के नाते, एक पत्रकार अखबार के मालिक के नाते, एक पत्रकारिता शैक्षणिक संस्था के मुखिया के नाते, शिक्षाविद के नाते, एक पाठक के नाते, एक दर्शक के नाते, एक श्रोता के नाते, वी हैव टू अंडरस्टैंड एनालाइज द रोल ऑफ मीडिया रैदर देन कम टू हेस्टी कंक्लूजन्स, जो इजिली बड़ा हम लोग लेबल्स यूज कर देते हैं ना, वो मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, है ना, वो उस पर ना जल्दी से जाकर हम थोड़ा सा चीजों को समझें, परिपेक्ष में समझें कि कमियां हैं तो हर पेशे में हैं और सुधारने की जरूरत है, लेकिन ये सकारात्मकता भी तभी आएगी जब आप भी सकारात्मक होंगे। सिर्फ सकारात्मकता से नहीं चीजें बिकती है, क्योंकि मीडिया का काम है, हम अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि गांधी जी के तीन बंदर, वी टॉक अबाउट द थ्री मंकीज, डू नॉट हियर ईविल, डू नॉट स्पीक ईविल, डू नॉट लिसन टू ईविल, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो। लेकिन मीडिया के प्रोफेशन में अगर ये अपना लिया तो दुकान बंद, हमें बुरा बोलना भी पड़ता है, बुरा सुनना भी पड़ता है और बुरा देखना भी पड़ता है। लेकिन उसमें एक छोटा संशोधन, इतना ही मीडिया के संदर्भ में, थोड़ा अच्छा भी सुनो, थोड़ा अच्छा भी देखो, थोड़ा अच्छा भी बोलो, ये भी बहुत जरूरी है कि हम उस सकारात्मक पहलुओं पर भी समाज में, जो समाज की जो आंतरिक ऊर्जा है, मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा, मैं समाज जो अपने आप में आज हजारों स्वयंसेवी संस्थाएं निस्वार्थ भावना से आज समाज में सेवा कर रही हैं, आज जहां परिवार के परिवारजन जहां सामने पार्थिव शरीर को उठाने के लिए तैयार नहीं है, अपने कोरोना संक्रमित पेशेंट को छूने के लिए तैयार नहीं है, वहां हजारों के हिसाब से जो स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, वो लोग निस्वार्थ भावना से इस काम में लगे हुए हैं, राजेश जी जैसे जो है समाज सेवक इस काम में लगे हुए हैं, तो वो उस जो समाज के उस पहलू को उजागर करने की जरूरत है, ताकि समाज के अंदर की जो शक्ति है उसको उभारने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, समाज को मात्र सूचित करना और शिक्षित करना ही नहीं, समाज को प्रेरित करना भी जो है मीडिया के धर्म में आता है, मीडिया का दायित्व बनता है। इट इज अवर ड्यूटी नॉट ओनली टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट बट ऑल्सो इंस्पायर द सोसाइटी, बिकॉज वी आर द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, हम समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं, हम समाज के पिछलग्गू नहीं है। आपने मुझे आमंत्रित किया और सम्मान दिया और धैर्य के साथ मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर सच अ वंडरफुल टॉक, यू हैव बीन गिवन अ वेरी ग्रेट नॉलेज टू अस, एंड वी ड्यूली रिस्पेक्ट द मीडिया हु हैव बीन ऑलरेडी यू नो प्रूवन एज अ यू नो कोविड वॉरियर्स, रियली वी डू रिस्पेक्ट, एंड बीइंग अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बीइंग अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, वी ऑल्सो डू हैव law and media as a subject over here, so we also do have a regard for this. So thank you so much sir once again. Next I would like to call upon Mike, today's guest of honor, Dr. Sachidanand Joshi ji, member secretary, Indira Gandhi National Center for Arts. Sir, over to you. Thank you Dr. Amit Guleria, Honorable Vice Chancellor of this university, Professor Vinay Kapoor Mehra ji, the Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor of Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Mass Communication, my dear friend Professor K.G. Suresh ji, the Honorable Director General of Indian Institute of Mass Communication, and my younger brother Professor Sanjay Dwivedi ji, my friend Rajesh ji, Honorable Registrar of this university, all the esteemed faculty members of this university, and the students who are listening to this deliberation. I am really in a very dicey situation, what to speak and what not to speak after
two very, very enlightening and very fiery speeches of two very knowledgeable persons. And they have really given you the entire gamut of the subject which we are trying to deal with today. I would like to be very specific on the topic, which is impact of media, impact and role of media in COVID. And I would like to bring out some instances and some references which may help you in understanding the entire situation. I was just trying to analyze why we all are dealing with this subject today and what is the necessity to discuss and deliberate on these topics. And one thing which has come to my mind is that the entire society today and all of us are today severely are under the severe attack of information overload. And the information overload, which is impacting all our lives, is really now taking its toll on our thinking, philosophy, psychology, and our day-to-day life. What has happened is that I was just looking to the figures, and I could find out the internet consumption in January 2021. Was 624 million. That means 62.4 crores people of India were using the internet. That comes to almost 54% of the Indian population. Then how many people are using the social media? Social media is being used by 44.8 crore people. That comes to roughly around 32.3% of the Indian population. And another interesting feature is that within a span of just 1 year, the increase in internet people was 8.2%, which is phenomenal. And the increase in the social media users was 21%. That is, again, very phenomenal. Try to understand what all these figures tell us. These figures tell us that we all are suffering with another pandemic other than COVID that is known as information overload. And that is what creating the problem in all our thinking, philosophy, and even our day-to-day life. And what does this information overload means? Information overload is the state of feeling overwhelmed by the volume of information to the point at which one feels more confused than knowledge about a particular topic. Information overload can manifest itself as basis fog and difficulty in making decisions. And that is what is happening with all of us. We have so much information accumulated around us that it is becoming very difficult for us to make any decision, positive or negative, affirmative or interrogative. We are really in a fix. So what does this information load makes? It creates cognitive overload. It creates decision-making problems. It gets your willpower depleted. It triggers your anxiety. It is very difficult for you to focus on a particular thing, and your critical skills become impaired. Unfortunately, for last 1.5 years, We have been passing through a very difficult stage in our life. Most of the time, either we are undergoing some lockdowns, partial curfews, or some kind of a disbalance in our social activities. Because of this, more consumption of information has become inevitable in our life. And the more you consume the information, the more you get confused, and the more you get confused, the more you get frustrated and try to bring out some kind of an anger. So what has happened is that if you see the figures, the remarkable figures, I was just looking at this, 5,10,000 comments per minute on Facebook are being posted, and that is a figure 2 years old, or something like 2,93,000 status are being uploaded every minute on Facebook, or 1,36,000 photos uploaded every minute on Facebook. Just look at this
look at this quantum of information which is being generated around us. So this quantum of information which is being generated around us is creating entire disbelief in the system, whatever information you receive. Because every time you want to check or cross-check the information from secondary source or the primary source or the third source or the fourth source, because you are exposed to so many sources. And that has also posed a major challenge in front of the media. As Professor Suresh has rightly said, media persons are also belonging to the society. They are also putting their lives to danger to bring you, to give you some kind of an information in news. But other than the media professionals who are working on ground, there are other sources which are also providing the information. And each information has its own perception. That is another unfortunate thing. No information is there without any perception. Each and every information has its own perception, has its own agenda. So unfortunately, whatever information you receive from one particular source is either cross-checked by another source or it is rejected by another source, and you get another piece of information on the same subject, on the same topic. That is why we get confused. Go back to 1.5 years when this corona pandemic initially started. Nobody knew what is going to be the remedy, how we are going to face it. Nobody really knew whether it is airborne or it is spread through touches or it is spread through your close contact. Nobody really knew. Nobody has any clue. And there were hardly any resources which were trying to give you the right information, because the chaos of information was brought to you. I'm very sorry to say, at least I can say on this platform, people even started disbelieving the organizations like WHO, leave apart the media institutions. Even some information when it used to come from WHO used to try and cross-check with some other sources, because there were other sources. So what I'm trying to tell you is that when we were young, when we used to study media in 1980, third wave, written by Edwin Toffler, came. And when this third wave came, in this book, Edwin Toffler used a term known as demassification of media. And 41 years back, we didn't realize that what exactly is this demassification of media. But today we realize that not only demassification of media has occurred, but also staggering of the media has also occurred. In a nucleus family of 3 to 4 people, each and every member is exposed to different kind of media. आप अगर ड्राइंग रूम में बैठ के बात करेंगे तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन होगी, और जब बेटे अलग कमरे में जाएंगे, माता पिता अलग अलग कमरे में जाएंगे, तो दे विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। और जब शाम को फिर वो अपने लंच या डिनर में बैठते, सो अगेन दे विल डिस्कस कि जो मॉर्निंग में डिस्कस किया था उसके अलावा ये सारी इंफॉर्मेशन। सो दिस इज द प्रॉब्लम विच इज अकरिंग विद द मीडिया। सो बिकॉज ऑफ द advent of the information technology, especially the social media platforms, the demassification of media has taken at a much faster speed than it was expected. Fortunately, that is creating a lot of problems in our society. So when I was also trying to recollect Noam Chomsky, who gave us a term known as manufacturing of consent, which was a major activity of media in recent times. And Noam Chomsky very rightly pointed it out and say, after certain years, manufacturing of consent, yani ek tarah ke vichar, ek tarah ki bhavna ko aapke andar aaropit karne ki koshish karna. And that has happened. जब हम लोग स्टूडेंट थे, या प्रोफेसर सुरेश या प्रोफेसर संजय द्विवेदी जब विद्यार्थियों को पढ़ाते होंगे, मनोज दयाल साहब भी यहां दिख रहे हैं, वो एजेंडा सेटिंग की बात अपने विद्यार्थियों को बताते थे। पर एजेंडा सेटिंग वाज अ वेरी स्मॉल सॉर्ट ऑफ अ टर्म। जब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट की बात आती है तो एक बहुत लार्जर टर्म पे इस बात को देखने की और समझने की कोशिश करना चाहिए। युवाल नोआ हरारी ने एक किताब लिखी, 21 लेसंस फॉर द 21st सेंचुरी।
और युवाल नोआ हरारी की उस किताब में एक चैप्टर है जिसका नाम है पोस्ट ट्रुथ, और मुझे लगता है कि हर एक मीडिया प्रोफेशनल को उस चैप्टर को जरूर पढ़ना चाहिए। और उस पोस्ट ट्रुथ में इतनी अच्छी बातें कही गई, उन्होंने मेन कॉम्फ के जो संदर्भ से इस बात को कहा है, अ लाई टोल्ड वंस रिमेन्स अ लाई बट अ लाई टोल्ड 1000 टाइम्स बिकम्स अ ट्रुथ। और इसलिए सही ट्रुथ, सही सत्य, सही वास्तविक सत्य, इन सारी चीजों के इर्द गिर्द हम क्या कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और सिर्फ ये पोस्ट ट्रुथ की ही बात नहीं है, वी ऑल आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड ऑल आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड व्हाट इज ट्रुथ, बिकॉज देर इज हाफ ट्रुथ, देर इज कंपैरेटिव ट्रुथ, देर इज कन्वीनियंट ट्रुथ, देर इज सिंपल ट्रुथ, देर इज ऑल्सो पेनफुल ट्रुथ। सत्य क्या है, वॉट इज द ट्रूथ, वी ऑल आर अनेबल टू फाइंड इट आउट। अनफॉर्चुनेटली इन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, ड्यूरिंग दिस एंटायर COVID-19 पेंडेमिक, एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू शॉट इन डार्क, इंक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट, एवरी वन। सो why only we blame the media? They were also trying to find a path within the chaos which was created because of this pandemic. And the live example is this second strain of COVID pandemic. And we realized how this consent is built, how a narrative is built, how a negative narrative is built. You might have seen as soon as the second strain of COVID pandemic started to begin, there was a wave of showing the pyres, chitaye, lashon ke dher. So everywhere you used to see the similar kind of a picture. You go to Bhopal, you go to Ghaziabad, you go to Lucknow, from everywhere you are getting the similar kind of a picture. Lashon ke dher hai, shamshan mein jagah nahi hai. Lashon ke dher hai, shamshan mein jagah nahi. Everywhere. Uske baad shuru hua, एक बेटा बेटी, दे लॉस्ट देयर मदर, एक बेटा बेटी, दे लॉस्ट देयर फादर, एंड दे हैव देयर ओन ट्रेजिक स्टोरीज, एंड ऑल सच स्टोरीज स्टार्टेड टू बिगिन। और धीरे धीरे वो स्टोरीज फिर आने लग गई, पर क्या वही सच था? वॉज दैट द रियल ट्रूथ? उसके अलावा कोई सच नहीं था और किसी ने कोई सच देखा नहीं। तो जितनी सुंदर व्याख्या संजय जी जब ऋषि नारद की कर रहे थे, तो सत्य की और सत्य के अन्वेषण की बात करना, हाउ टू कम्युनिकेट द ट्रूथ, नोबडी न्यू। एंड देयर वाज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड सॉर्ट ऑफ अ कैंपेन, और इसमें नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के तमाम लोग शामिल थे। वी वर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ गिव यू दिस काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन। और इसमें ही वो रुके नहीं, उसके बाद सीरीज ऑफ फोटोग्राफ्स, लाशों का लाइन लगा हुआ, एंड यू सी हर एक शमशान घाट में सिमिलर काइंड ऑफ लाशों का लाइन, एज इफ समबडी हैज रियली ऑर्गेनाइज्ड दैट थिंग। एक सज्जन हु सॉर्ट ऑफ हु वाज 85 इयर्स ऑफ एज एंड हु हैड लिव्ड हिज लाइफ, वांटेड टू सरेंडर हिज बेड फॉर अ यंगर पर्सन हु वाज 45 इयर्स ऑफ एज एंड वाज कोविड पॉजिटिव, एंड देयर वाज नो मीडिया गिमिक इन इट। But then you see a narrative, positive narrative was built, and from the next day onwards, negative narrative was also started piling up. So what kind of a society we are living in, and what kind of an agenda we are setting, and that has happened. And ultimately we saw that the entire news was correct. And the family of the gentleman had to say, we don't want any publicity, please forgive us. So this is kind of a society, this is kind of an environment in which we are living. And on the same day, I still remember the date, on 14th of May, I was giving a lecture in J.C. Bose University, Faridabad, on media and COVID. And I said that I am not surprised if tomorrow someone comes out with a toolkit, and see, after 10 days
you might have realized that there was a toolkit. There was a manufactured design in creating all these images in the society. And now today, now we are seeing dead bodies moving in the rivers, Ganga rivers, similarly, you know, Allahabad ka ghat and all. Then you have fact check, counter check, and how to cross check the facts and all these things. This is a very, very peculiar situation. I am happy that some states have declared the media professionals have as media warriors. They are in true sense media warriors who are trying to give you the correct information for the society. And we need to have some faith in the media organizations who are working day and night. But what to do with the kind of a media which has been propagated through social media? And these days I do not call it social media. Earlier, I was calling it unsocial media. Now today, I call it anti-social media because it is doing more harm than good. And we must realize, because when we look at a channel, when we look at a newspaper, they have some kind of a regulatory framework. And Mahatma Gandhi has already said, if we do not need a regulatory framework imposed from outside on the media, that framework should come from within the media. And media organization are one such organizations. They have built up their own regulatory frameworks. There is an organization known as Broadcasting Editors Association, which sort of give some kind of a directives to the media professionals, how to pose, how to give news and how to report anything. There are organizations for regulating the advertising content in the media. Of course, there is a press council which deals with the press, with the print journalism. So media is trying to build some kind of a self-regulation. But this social media, which does not have responsibility, does not have accountability, and does not have answerability, is creating a great havoc in the society. You stop your Facebook, WhatsApp, internet for 1 week and you would not require a blood pressure medicine in your life. And that is the kind of a remedy which now doctors have also suggested. They are suggesting you do news fast and you will be okay. You don't consume the information which is given to you on social media and you will be okay. Because the moment you start listening or start reading to the social media content, you feel you are blessed with all kinds of illnesses, all kinds of problems, and all kinds of tragedy in your life. It is a difficult time for all of us, but we need to come out from it with our own strong willpower and dedication. And one golden principle, like it is said with the government, you get the government which you deserve. Similarly, you get the media which you deserve. So you have, as an educated person, you have to choose which media you would prefer and how you are going to rely on it. I think I have said whatever I wanted to say. I must congratulate the Ambedkar Law University for organizing this fantastic symposium. It is a very, very timely symposium, and it has a panel which has all kinds of experts in the field. I am a novice in this, and I have also tried my little bit to contribute in this, but I am sure that such discussions would definitely bring more sensibility and more responsibility on parts of the consumers of media. I'm not saying on media, but also on parts of the consumers of media. So we have to be more responsible consumers. Thank you very much. Namaskar. Thank you so much, sir. Thanks a lot for such a real-time information, which is the need of the hour. And you have rightly stated that media itself or information itself is going to be very overloaded. So periodically, we must definitely go for the
media fast or information fast. That's what we can go for the good health even. This is very much informative. So next, I would like to invite special invitee of the day, Shri Rakesh Ji, Shri Rajesh Ji, eminent social worker who is actually working in this very field for the society. So, Rajesh sir, over to you, please. Dhanyavaad. Adarniya Joshi Ji, Suresh Ji, Sanjay Ji, Vinay Ji, aap sabko mera pranam. सबसे पहले देवऋषि नारद जयंती के अवसर पर इस कोविड काल में समाचार लिखते लिखते जो खुद समाचार बन गए रोहित सरदाना जैसे युवा पत्रकारों को हम सब और आप सब की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन सब का स्मरण करता हूं। परिवार उनके जिस प्रकार के प्रैक्टिकल व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे, हम सब के कोई ना कोई परिचित होंगे और ऐसे समय में हम उनका संबल बन करके उनके साथ खड़े होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज के इस दौर में विनय जी ने मुझे जोड़ा, बहन जी ने, मैं सोच रहा था कि मुझे क्यों जोड़ा होगा, क्योंकि संजय द्विवेदी सर, जोशी सर, सुरेश जी को मैंने अनेकों बार सुना है, देखा है, समझा है, और इतने विद्वान संजय जी ने तो बहुत छोटे में प्रारंभ में ही, तो मैं सोच रहा था कहां, तो जोशी सर कह रहे थे कि भी मैं क्या बोलूं, क्या छोड़ूं, मैं सोच रहा हूं कि इतने विद्वानों के बाद और इस विद्वानों की सभा में जो अन्य भी जो स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं ऐसे विद्वान इस सारे में जुड़े हुए हैं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, तो उन सब के बीच में मैं कुछ बोल पाऊंगा तो, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि गांव का रहने वाला हूं, गांव में बहू आती है नई, तो घर के सब लोग इकट्ठे होते हैं और एक दिन कहते भी आज इसको चौका चढ़ाएंगे, चूल्हा चढ़ाएंगे, नहीं ये आज खाना बनाएगी रसोई में, तो नई वधु होती है उसको खाना बनाना कितना आता होगा कितना नहीं। पर मैंने एक दिन बैठ के सोचा ये परंपरा शुरू क्यों हुई, तो ये परंपरा शुरू हुई होगी कि भी सास को या परिवार के लोगों को उस बहू को खाना बनाना और परोसना इसकी एक विधि है, उससे अवगत कराना है और इसलिए उसकी ट्रेनिंग होती है और आज चौका चढ़ेगी हमारी बहू, ऐसी सूचना देकर के परिवार के सब लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। तो शायद विनय जी ने, बहन जी ने मेरे को आज जोड़ करके और इस फील्ड में मैं एक नया व्यक्ति हूं और इनकी ट्रेनिंग कराई जाए ये सोच करके और मेरे को आज यहां पर रखा है, मैं इनका आभार अभिनंदन प्रकट करता हूं। मैं क्योंकि पेशे से पत्रकार नहीं रहा, आज से कुछ साल पहले मेरे जिम्मे पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे काम करना है, यानी मीडिया में काम करने वाले लोगों के बीच में काम करना है। जब मुझे ऐसा कहा गया तो मुझे लगा, तो आप सबकी जानकारी के लिए मैंने अभी 2 साल पहले ही अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है दूरस्थ माध्यम से, तो मुझे लगा कि भी मुझे भी पढ़ना चाहिए, हालांकि पढ़ाई से बहुत लंबे समय से छूट चुका था, तो इस नाते से पढ़ाई में मैं गया और मैंने पढ़ना प्रारंभ किया। मैं हिसाब लगा रहा था कि भाई देवऋषि नारद जयंती के अवसर पर संजय जी ने बहुत अच्छे से नारद जी के बारे में बताया और देवऋषि नारद जी के बारे में सीरियल में और फिल्मों में जो दिखाया दर्शाया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया, और देवऋषि तो हम कह रहे हैं तो देवऋषि कहते ही अलग तरह की कल्पना जग रही है, लेकिन नारद मुनि जैसे हम ये शब्द प्रयोग करते हैं तो आप गांव में तो कहते अच्छा ये एक और आ गया नारद लगाएगा, वहां की जिस प्रकार का चरित्र ये सेट किया गया देवऋषि नारद जी के बारे में, नहीं तो यदि हम कल्पना करें देवऋषि नारद जी की, ना मां पार्वती के पास जाने में कोई बाधा है और ना शिव के पास जाने में कोई बाधा है, अंतःपुर में भी वो एकदम आराम से जा सकते हैं,
यानी जो सर्वत्र जा सकते हैं, फील्ड के जो पत्रकारिता हम जिसको कहते हैं, मौके की जो पत्रकारिता हम जिसको कहते हैं, ऐसे ग्राउंड रिपोर्टर हर घटना पे वहां पहुंच रहे हैं और फिर उसको कौन सी दिशा देनी है, कैसे दिशा देनी है, कौन सी दृष्टि के साथ उसको आगे बढ़ाना है, ऐसे अनेक उदाहरण देवर्षि नारद को जब हम पढ़ते हैं, जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया संजय जी ने, लोक मंगल के लिए जो उन्होंने पत्रकारिता को जो है हम सबके सामने आदि पत्रकार के रूप में रखा है, ये एक बड़ा काम है कि उस नैरेटिव को, उस विमर्श को, उनके उस किए हुए काम को पुनर्स्थापित करने की जिम्मेदारी हम और आप जैसे विद्वानों पर है। संवाद एक ऐसा शब्द है, मैं समझता हूं इसमें से संवाद है तो सब कुछ है, और जहां संवाद बिगड़ गया तो वहां पर संवाद बिगड़ने के कारण से बात बिगड़ती है, चाहे वो घर है, चाहे इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो समाज है, चाहे वो देश है। जहां पर संवाद है वहां पर सब व्यवस्थित है, वहां ठीक है, देर सवेर बात बिगड़ करके फिर संभल जाती है, और जहां से संवाद खत्म होता है वहां पर झगड़े बढ़ते हैं। मैं समझता हूं मीडिया संवाद का एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम है, एक बहुत बड़ा काम करने के लिए हम लोग निकले हैं, और ये हमारे ऊपर जिम्मेवारी आई है संवाद की, कि हम संवाद के माध्यम से समाज को दिशा और दृष्टि दे सके। समाज में एक बहुत बड़ा ऐसा भी है जो अपना नैरेटिव सेट करता है, जैसा कि जोशी जी ने बताया कि भाई उनको बस वही दिख रहा है, लाश ही लाश दिख रही है। हमारे यहां अने मैं हंस रहा था, मेरे को पत्नी कहने लगी कहते जी वो अचार पाने के लिए मसाला ले आना। मैं हंसने लगा, मैं कहा दुनिया कोरोना से मर रही है और पॉजिटिविटी देखो इनकी, यानी वो कहते भी अगले साल के लिए बनाना है। बात छोटी सी है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन पॉजिटिविटी है मन में, ये भारत के ज्यादातर व्यक्तियों के मन में है। आज भी मैं देख रहा हूं फील्ड में कंस्ट्रक्शन दबा दब चल रही है, मकान बन रहे हैं, व्यक्ति के अरे भाई सब खत्म ही होना तो काहे को मकान बनाना है, काहे को कोठी खड़ी करनी है, लेकिन आचार भी डल रहा है और कोठी भी बन रही है। क्यों? क्योंकि हम सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, उस पॉजिटिविटी को हमने ज्यादा मात्रा में खड़ा करना है। ये नैरेटिव यदि हम सेट कर पाए, अभी क्या हो रहा है, एक वर्ग एक नेगेटिव विमर्श खड़ा करता है, हमको ध्यान में आता है, फिर संजय जी ने प्रारंभ में बताया कि भी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं कहता हूं भारत से प्यार करने वाले, भारत के लिए जीने वाला एक ऐसा वर्ग, बड़ा वर्ग जो भारत की पॉजिटिविटी को पहले से ही बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा रहे, ताकि उनका नैरेटिव नेगेटिव नैरेटिव सेट ना हो पाए, ऐसा एक प्रयास हम सबको मिलकर के ये करना है। सकारात्मक की मैं छोटा सा उदाहरण दूं तो आज मैं एक समाचार पढ़ रहा था, 20 करोड़ वैक्सीनेशन देने वाला ये भारत पहला दूसरा देश बन गया है। अमेरिका है जिसने 29 करोड़ इंजेक्शन लगाए, भारत है जिसमें 20 करोड़ इंजेक्शन लग गए। लेकिन इसमें और एनालिसिस करने के लिए जाएंगे, जब इसका एनालिसिस करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा अमेरिका ने 20 करोड़ इंजेक्शन 124 दिन में लगाए हैं और भारत ये 20 करोड़ इंजेक्शन 130 दिन में लगाए हैं। वो अमेरिका जो दुनिया के 40% संसाधनों पर कब्जा किए हुए है, जो दुनिया का 5% आबादी है, उसने इतने बड़े चैलेंज को 124 दिन में, और भारत का एनालिसिस आबादी का आप कर लीजिए, संसाधनों का एनालिसिस आप सबके सामने है, और वो हमने 130 दिन में अचीव कर लिया, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसको पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ, ज्यादा प्लेटफॉर्म पर हमको ये लेकर के आना चाहिए। समय की मर्यादा है, मेरे लिए चैलेंज भी है कि समय बढ़ गया है तो मैं कम समय लूं, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यक्रम हो रहा है।
तीन सुझाव यूनिवर्सिटी को देना चाहूंगा, तो यदि संभव हो तो इन सुझाव पर हम सब विचार करें। पहली बात है कि भी हमको यहां से वकील निकालने हैं, मोटी मोटी बात, और भी बहुत सारे पाठ्यक्रम होंगे, लेकिन ऐसे वकील नहीं कि गांव में किसी दोस्त से मर्डर हो गया और वो वकील के पास गया, भाई मेरे से मर्डर हो गया और मेरा केस लड़ ले। उन्होंने कहा तूने गोली मारी उसको? हां मैंने नहीं मारी है। कहते ठीक है लड़ लूंगा। कहते फीस बता? उन्होंने कहा फीस पास तेरे से क्या लेनी है यार? नहीं नहीं फीस तो बतानी पड़ेगी। कहते अच्छा फिर 5,000 रुपए दे दियो। कहते 5,000 रुपए? उसके मन में आ गया डाउट, भाई वो वकील बढ़िया नहीं है। अब वो किसी और अच्छे वकील के पास गया जिसने उसको 10,00,000 रुपये फीस मांग ली और भाई मैं तेरे को और जो है और इसमें सारे में तेरा केस लड़ूंगा। लब्बो लुबाब केस लड़ा और वो हार गया और उसको फांसी की सजा हो गई। अब वो दोस्त आया और वो कहने लगा, कहता है भाई मैं तने या फांसी 5,000 में दुआ था, तने जो 2,00,000 में ली, या होनी तो तेरे को फांसी ही थी। तो हम ऐसे वकील और वो ना खड़े करें, ऐसे लोग ना खड़े करें। हमारे वकील कैसे हों? बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए संविधान में पूरी निष्ठा और विश्वास रखने वाले हों, ये पहली बात है। हम कैसे ऐसा वातावरण निर्माण करके दें उनको कि जिस बात को बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान के रूप में बाकी देश के विद्वानों से चर्चा करके और अध्ययन करके हम सबके सामने प्रस्तुत किया, उस संविधान की रक्षा के लिए हम अपना तन मन धन जीवन ये लगा देंगे, ये पहली बात है। ऐसा एटमोस्फियर हम दे सकते हैं क्या? दूसरी बात है, राम कृष्ण के दिखाए मार्ग पर, समरसता के मार्ग पर, और बहुत ऐसे सारे मार्ग दिखाए होंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी नाम है ना जी अपना, तो हम समरसता, वो सबरी के बेर खाने वाले राम, वो केवट को गले लगाने वाले राम, वो भू को अपने कार्यक्रम में और मित्रता याद दिलाने वाले राम, वो विभीषण को उसका शासन देने वाले राम, वो सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य लौटाने वाले राम, वो जामवंत भालू के रूप में अपने गले लगाने वाले राम, ऐसे चरित्रवान, ऐसे समरसता के पुरोधा बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर, उनके कष्ट जो उनके जीवन का कष्ट था कि जो समाज में छुआछूत और बाकी सारी बीमारियां हैं, उनको ऐसे हमारे यहां से छात्र निकले जो इस प्रकार वातावरण आने वाले समय में भारत में निर्माण करेंगे। और दूसरी तीसरी बात, अंतिम बात, हमारे यहां पर मेरा एक निवेदन है, जिस प्रकार का जोशी जी ने बताया कि इतने प्लेटफॉर्म, इतने लोग, ये सारा कुछ हो रहा है, तो सोशल मीडिया पर जो विभिन्न प्लेटफॉर्म है उस पर जो सामग्री आती है उस पर नजर रख करके कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं उसका अध्ययन करने का कोई पाठ्यक्रम, कोई डिप्लोमा अपनी यूनिवर्सिटी विचार कर सकती है क्या? चल भी हो सकता, चल भी रहा हो, मुझे पता नहीं, तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर और जो सारा मैटर चलता है उसके कानूनी पहल क्या है, कोई दिल में आता है, कोई कुछ भी मन में आता है, कुछ भी लगा देता है अपने स्वतंत्र बोलने की आजादी के नाम पर, तो क्या सोशल मीडिया के माध्यम पर जो चलने वाले प्लेटफॉर्म है उस पर जो चीज चलती है, जो सामग्री वहां पर डाली जाती है, जो कंटेंट वहां पर डाला जाता है, उस कंटेंट का अध्ययन करके कानूनी कार्रवाई क्या बनती है, ऐसा एक अध्ययन का पाठ्यक्रम तैयार करके और हम कोई डिप्लोमा यहाँ पर तैयार शुरू कर सकते हैं क्या? ऐसी तीन बातें मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, खासतौर पर विनय बहन जी से, कि अपनी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का प्रयास हो जाए और ऐसा वातावरण हम दे जो बाबा भीमराव अंबेडकर की यूनिवर्सिटी से निकला हुआ छात्र पूरे भारत में नहीं तो पूरी दुनिया के अंदर वो दूर से पहचाना जाए कि हाँ ये वहां से निकल के आया है और इसके बारे में ये कुछ भी करेगा लेकिन देश के साथ गद्दारी ये नहीं करेगा, देश के साथ गद्दारी करने वालों के केस ये नहीं लड़ेगा, ऐसा एक पैसों के लालच में ये बिकेगा नहीं, ऐसा एक वातावरण यहाँ पर हम अपने छात्रों को दे। इतनी बात कह करके जिन लोगों ने मुझे बुलाया, आप सबने और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को मैनेज किया उन सबका हृदय से अभिनंदन और आभार करते हुए, सुरेश जी, जोशी और संजय जी जैसे विद्वानों ने मुझे भी सुना, इनका आभार और अभिनंदन। बस इतनी बात कह करके मैं वाणी को विराम। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर सच ए इंफॉर्मेटिव टॉक एंड व्हाटएवर द सजेशंस यू हैव गिवन टू अस अंडर द
kind leadership of our honorable vice chancellor ma'am, we will definitely act upon it. Still we are not having this diploma, but surely in the coming future we will definitely start this particular course. So thank you so much. So now at the last stage of the this event, now I would like to call upon mic Dr. Amit Kumar Kamboji, our worthy our registrar sir, for the vote of thanks. Registrar sir, mic is over to you. Thank you, Amitji. Good evening, everyone. A very happy Sri Dev Rishi Narada Jayanti to all. I am Dr. Amit Kumar, registrar, Dr. B.R. Ambedkar National Law University, here to present the vote of thanks for today's webinar. I would like to pay gratitude to His Excellency Governor Haryana and Chancellor of this university, Sri Satyadev Arya ji, for his blessings to the program, and all members of this university to conduct such marvelous program. I would also pay my gratitude to Honorable Vice Chancellor Professor Vinay Kapoor Mehra ji for her blessing, guidance, and to infuse a strength within the staff to organize such a wonderful program and webinar today. I am thankful from the core of my heart to the chief guest, Dr. Sanjay Dwivedi ji, guest of honor, Sri Chidanand Joshi ji, keynote speaker, Sri K.G. Suresh ji, and Sri Rajesh ji, for taking out time from their busy schedule and enlightening us with the knowledge. Today's webinar was full of knowledge and interesting facts. It gave deep insight into the topic choose for today. I realized during the speech of all respectable guests that everyone has took a dip in ocean of intellect on the topic. I'm also pay thanks to the all staff member, faculty, and non-teaching staff members for the efforts put by them in organizing of such a event. I'm also thankful to all media persons, respectable guests from different field, and I also pay thanks to all the students who have enhanced the grace of the occasion and promote the speakers. And I also thankful to all that they have spared their time, they sit calmly and give patience listening to all the speakers. Thanks to all. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for the vote of thanks. So now this was the last stage of this today's event, and I personally pay my thanks to the speakers of the day, all the participants, and all the students. And finally, I would like to ask our Honorable Vice Chancellor ma'am if she want to put any final inputs. Thank you to all for being with us, and I think in future also we get your support and time for all these events. Thank you, which was a wonderful experience today. Thank you so much. Namaskar Deshi, dhanyavad Suraji, Krishji, Sanjay ji. Namaskar ji. Namaskar. आज अच्छा हो गया, बहुत दिनों